नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, यहां पर पिछले 12 घंटे से भी ज्यादा समय से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बवाल को थामने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को जिम्मेदारी सौंपी है और अमिताभ यश बहराइच पहुंचे हुए हैं। इस बीच अमिताभ यश की एक वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह पिस्टल लेकर अमिताभ यश ललकार रहे हैं, बलवाइयों को ललकार रहे हैं, उपद्रवियों को, और कह रहे हैं कि गोली चला देंगे। तो फिलहाल अमिताभ यश का यह वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन को लेकर जिस तरीके से बवाल हुआ, उसको रोकने में स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। राजधानी लखनऊ में बैठे उच्च अधिकारी भी शायद इसको भांप नहीं सके और बवाल बढ़ता गया। इस बवाल में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। इसके बाद जब आज शव गांव पहुंचता है अंतिम संस्कार को लेकर, तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लाठी डंडों से लैस होकर अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सड़क पर लोग उतरते हैं। हालांकि एक बटालियन पीएसी और कई थानों का पुलिस फोर्स तैनात था, लेकिन ग्रामीणों का उग्र रूप देखकर पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती है और वो मनमानी पर उतर आते हैं। इस कदर उपद्रव होता है कि सड़क जाम हो जाता है और उपद्रवी आगजनी की घटना को अंजाम दे देते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश आता है सोशल मीडिया पर और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने को कहा जाता है, दूसरी तरफ उपद्रवियों का उपद्रव थमने का नाम नहीं लेता है। आलम यह है कि सीतापुर से गुजरी बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग को सीतापुर के बॉर्डर पर बंद कर दिया जाता है, बैरिकेटिंग लगा दी जाती है। सीतापुर की फोर्स सड़क पर उतरकर चेकिंग करने लगती है और भारी वाहनों को आने जाने के लिए रोक देना पड़ता है। आगजनी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसको देखकर कहीं से नहीं लग रहा है कि जो सरकार की छवि थी, जो दंगा मुक्त सरकार कहा जाता था कि यहां पर इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस तरीके से बहराइच में आगजनी हुई, गोली चली और बवाल हुआ, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहा है। एसपी बहराइच वृंदा शुक्ला ने कमान जरूर संभाली, लेकिन अभी तक पूरी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ सकी और 30 बलवाइयों को, 30 जो उपद्रवी हैं, उनको हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। एफआईआर दर्ज कर दी गई है और गहनता से और इसको सख्ती से अब निपटने के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है। फिर से एक बार दिखाएंगे, एसटीएफ के चीफ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाने वाले अमिताभ यश का एक रूप आप देख सकते हैं, किस तरह नंगी पिस्टल लेकर सड़कों पर निशाना साधते हुए, ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं संदेश है उन उपद्रवियों के लिए, सुधर जाइए, नहीं तो पुलिस अब हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि आपको बता दें कि बहराइच पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था, लोगों को हटाने का भी प्रयास किया था, बावजूद इसके अब ये जंगल में आग की तरह ये बवाल फैलता चला गया। इस बीच बहराइच से ये भी खबर आ रही है, इंटरनेट सेवाएं वहां बंद कर दी गई हैं और आसपास के कई थानों के पुलिस फोर्स को वहां पर बुलाया गया है। इस बीच लखनऊ से इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रख रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे और भाजपा के भी तमाम पदाधिकारी, दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में थे, और जब वहां से लौटे
और लौटने के दौरान बहराइच का मामला सामने आया। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर निर्देश भी दिए और निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में भी आई। लापरवाही के तौर पर SHO और चौकी इंचार्ज को निलंबित जरूर किया गया, कुछ कांस्टेबलों पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन सवाल इस बात का है इतनी बड़ी वारदात हो गई, कहां सो रही थी खुफिया विभाग, कहां सो रहा था और कहां जिम्मेदार थे, आखिर वो नियंत्रण क्यों नहीं रख पाए। ADG भी मौके पर थे, DIG भी थे और SPDM भी थे, बावजूद इसके बवाल बढ़ता गया। आलम यह है कि अब STF के चीफ अमिताभ यश को रिवाल्वर लेकर, इस तरीके से नंगी रिवाल्वर लेकर ललकारते हुए सड़क पर देखा जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए बहराइच में तैयार हो गई है। ये संदेश है फिलहाल इस पूरे मामले पर। अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का आरोप है, चूंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ किया धरा है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी हमलावर हो गई है, उधर से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो एक दूसरे को दोषी ठहराने में लगे हुए हैं कि आखिर बवाल क्यों हुआ, किस बात को लेकर हुआ, कौन दोषी है, क्यों यहां तक नौबत पहुंची, तमाम ऐसी चीजें सामने आने लगी हैं। अब फिलहाल पुलिस सख्ती के मूड में उतर आई है, जिसका नजारा STF के चीफ अमिताभ यश को देखा जा सकता है। अमिताभ यश का यह रूप शायद ही पहले आपको किसी बड़े अपराधी से मुठभेड़ करते हुए या उससे निपटते हुए देखा गया होगा, लेकिन इस तरीके से उपद्रवियों से निपटने के लिए STF चीफ को सड़क पर नंगी पिस्टल लेकर दौड़ते हुए ललकारते हुए पहली बार शायद आपने देखा होगा। यह इंडिया के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है जो दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं, और इंडिया आप सभी से अपील भी कर रहा है कि आपका जिला है, आपका क्षेत्र है, आपके अपने लोग हैं, कृपया शांति से ही जिले में अमन चैन बनाए रखना जरूरी होता है। इसलिए आप सभी लोग शांति बनाएं और ताकि खुशहाली के रास्ते पर आपका जिला आगे बढ़ सके, किसी बेकसूर की जान न जा सके, कोई बेकसूर की जान न ले सके। तमाम ऐसी अपीलें हम सब लोग कर रहे हैं और इसी रास्ते पर चलकर ही न्याय भी मिल सकता है। जो दोषी हैं सरकार उन पर कार्रवाई जरूर करनी करेगी, ऐसी उम्मीद रखते हैं। तो बहराइच की हर एक खबर पर हमारी नजर है। आप नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।